स्टूडेंट क्लास ईयर्थ एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये फाइंड करना है कि जो टेबल दिया हुआ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं। आपने एक्सरसाइज 12A में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को देखा था, यहाँ पर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखना है। यदि आपने किसी कारणवश एक्सरसाइज 12A की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर जो आई का आइकन बनकर आएगा उस पर क्लिक करके आप एक्सरसाइज 12A के सारे वीडियो सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है कि ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड इन ईच केस फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to x3 upon y3 is equal to x4 upon y4, so on। ये तो देखा था आपने। यहाँ पर भी इसी तरह का कुछ है, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, फार्मूला जो होता है x1 multiple by y1 is equal to x2 multiple by y2 is equal to x3 multiple by y3, so on, ये फॉर्मूला यहाँ चलेगा। अब देखिए यह x1 है, ये y1 है, आपने लगा दिया 6 into 9, ठीक कितना हो गया 54। फिर देखिए 10 into 15 कितना आ गया 150 हो गया। 14 into 21, 14 कैरी 1 28 and 1 29, 16 multiple by 24, 16 4 64 कैरी 632 638। बेटा आप देख पा रहे होगे कि 54 is not equal to 150 is not equal to 294 is not equal to 384। All cases are different, ठीक है, in value। So, this is not inversely proportional. समझ में आ गया होगा। अब अगर हम ये क्वेश्चन आपको छोड़ दें तो आप बड़े अच्छे से कर सकते हो। केवल x1 y1 is equal to x2 y2, ऑल केसेस शुड बी इक्वल। देन देखिए 5 into 18 ओके इज इक्वल टू 90, 9 into 10 इज इक्वल टू 90, 15 into 6 इज इक्वल टू 90, 3 is equal to 30 into 90 and 45 into 2 is equal to 90। सब में क्या मिला आपको, 90 मिला। आप ये लिख सकते हो दिस टेबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन बिकॉज इट्स ऑल केसेस आर इक्वल। इसके सारे केसेस इक्वल हैं, इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो हमारा सेकेंड पार्ट का जो टेबल है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शन के लिए याद रखिएगा फॉर्मूला x1 multiple by y1 is equal to x2 multiple by y2 is equal to x3 multiple by y3। ये जितने भी केसेस होंगे इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे और ये इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, 9 multiple by 4 36। चलो यहाँ पर x2 y2 देख लो मल्टीप्लाई करके, 12 is equal to 36, ये इक्वल बन रहे हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा बिकॉज 6 into 9 is equal to 54, इक्वल नहीं हुआ। इज नॉट इक्वल टू 36 into 1 is equal to 36।
देखिए 36 यहाँ है, 36 यहाँ, बट यहाँ इक्वल नहीं हुआ और यह इसके इक्वल नहीं है, तो यहां पर लिखा जाएगा दिस टेबल इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज ऑल केसेस आर नॉट इक्वल, क्योंकि सारे केसेस इक्वल नहीं है इसलिए इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी आपने समझ लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शन आपने समझ लिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ करके इसको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स टू वॉच स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इफ एक्स एंड वाई आर इनवर्स प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू। आपको इस तरह की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आपने देखा कि इनवर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है, फार्मूला वही होता है एक्स वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू इंटू वाई टू, वेरी सिंपल फार्मूला। आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर करना है, पहले आप फार्मूला लिख लेंगे बार और एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू एक्स थ्री वाई थ्री सो ऑन, इस तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। अब आप देखें 8 इंटू वाई वन, अब यहां से लीजिए क्योंकि आप यहां से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो यहां से इसको ले लेते हैं पहले एक्स वन इंटू फोर, एक्स वन इंटू फोर ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा 16 इंटू फाइव, ये इक्वल होंगे ना, तो यहां से x1 जानने के लिए 16 इंटू फाइव अपॉन 4, 4 जा 16, तो 4, 5 जा कितना हो गया 20। इसका मतलब होगा कि जो यहां पर नंबर आया वो कितना हो गया 20 हो गया। अब देखें 8y1 इज इक्वल टू 20 इंटू फोर, 8y, अब इसको फाइंड आउट कर लिया तो 20 इंटू फोर कर लीजिए, और y इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 20 इंटू 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा 2 10 जा, और y1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10, यहां पर जो आपकी वैल्यू आई वो 10 हो गई। अब यहां से चलते हैं 16, इसके नीचे करिएगा, यहां पर करोगे 16 इंटू एक्स टू इज इक्वल टू, सॉरी 16 नहीं, 16 इंटू फाइव और x2 टू इंटू टू, देन आप x2 निकालने के लिए 16 इंटू फाइव अपॉन 2 करें, 2 8 जा और 8 5 जा 40, यहाँ का जो नंबर आएगा वो कितना होगा 40 हो जाएगा। इसी तरह से आप लेंगे 40 इंटू टू अपॉन 80 इंटू वाई टू, y2 जानने के लिए 40 इंटू टू अपॉन 80, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो 40 हो जाएगा, और 40 से 40 को डिवाइड करें y कितनी पावर जाएगी यहाँ पर 1। इस तरह से आप इस क्वेश्चन में या इस तरह की जो भी टेबल हो जिसमें x1 x2 y1 y2 p1 p2 p3 S1, S2, इस तरह का जो भी आपको ये वैल्यूज दी जाएगी आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और खुद आप अपनी स्टडी पर ध्यान रखिएगा, पढ़िए, खूब मस्त रहिए। थैंक्स टू वॉच।